बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे रात का खाना बन रहा था, जो कि बना हुआ था करेले और प्याज। सो ये आ चुका है खाना, आ जाए आप सब भी खा लें। किस किस को पसंद है बाय द वे करेले? अच्छा, जिसको पसंद है वो लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। अच्छा, मुझे तो बहुत पसंद है। और ये है मेरा ड्रेस जो मैंने संडे को वेयर करना है। अच्छा, हमारा संडे ऑन है हसबे मामूल, सो संडे को जाना है। तो अच्छा, ये वीडियो भी आपको संडे को मॉर्निंग में मिल जाएगी, बट ये वीडियो थोड़ी सी पुरानी है। सो ये है इसका ट्राउज़र। इसके ट्राउज़र पे मैंने ऐसे डिज़ाइन बना रखा है और उस पर पर्ल्स लगे हुए हैं। अच्छा, ये मैंने खुद स्टिच किया था ऐसे बाय द वे। अच्छा, इसका कलर बहुत लाइट सा और बहुत प्यारा सा है। सो ये मैं रेडी हो गई थी और मैं जा रही थी अपने जॉब पर जाने के लिए। तो अच्छा, आप सब बताएं किस किस की क्या क्या टाइमिंग्स हैं जॉब की, क्योंकि मैं तो बहुत अर्ली मॉर्निंग जाती हूँ। मेरे लिए ये अर्ली मॉर्निंग ही है भाई, 9:35, 40, 45 पे मैं बैठ चुकी होती हूँ ना अपनी बस में। सो ये हम लोग गुजर रहे थे फूल मंडी, तो ये एक छोटा सा क्लिप लिया था मैंने आप लोगों के लिए। वैसे भी सुबह सुबह फूल वगैरह मिल जाएंगे, ठंडी हवा हो, सो इन दोनों चीज़ों का एक अपना ही मज़ा है अर्ली मॉर्निंग में ना। और ये देखें, ये सुबह 7:45 का वक्त है और देखें धूप इतनी तेज़ है जैसे दोपहर के 12 बज रहे हों। धूप बहुत तेज़ है। दुआ करेंगे ये सब कि गर्मी जल्दी जल्दी से ख़त्म हो जाए और सर्दी आ जाए। आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, सो ये है 22 जून। ओए होए, इतनी गर्मी वाला दिन और बुरा हाल हो गया है गर्मी से ना। जो मर्ज़ी कर लें भाई, गर्मी नहीं ख़त्म होती। इतनी शदीद गर्मी है, इतनी शदीद गर्मी है कि क्या बताया जाए बस। अच्छा, वो सुबह की है थी वीडियो। सो ये हम लोग वापस आ रहे थे, तो और ये देखें टोल प्लाज़ा पर लाइन कितनी लंबी है और ट्रैफिक के हालात ज़रा चेक करें। सो वहाँ से मैं आई थी रात को ही, बहुत लेट घर आई थी मैं। सो मामा ने कपड़े वगैरह स्टिच कर रही थी तब अपने, और ये था फिर, ये रियल में संडे का ही है ब्लॉग, बट ये भी जब आपको देखने को मिलेगा जिस संडे को, ये उस संडे का नहीं होगा, ये उससे पहले वाले संडे का ब्लॉग है। सो मामा बना रही थी लस्सी, तो यहाँ पे छोटी ने नाश्ता बनाना शुरू कर दिया था। और उस दिन आई थिंक हम लोगों ने बनाए हुए थे, यस, वाइट चने बने हुए थे जिसके साथ पराठे बन रहे थे छोटी। अच्छा, ये डिफरेंट टाइप्स के पराठास बना रही थी। सो अगर आपको ये सब पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। और ये देखें, मोहतरमा ने बल दिया था, उसे तो सही से नहीं था दिया, फिर मैंने बल दिया था। अब पता नहीं उसकी वीडियो बीच में है या नहीं, मैंने कट कर दी हुई है शायद, मुझे सही नहीं थी लगी। सो ये लें। अच्छा, बाय द वे जिस जिसने ये पराठा ट्राई किया है ना, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताए कि ये पराठा कितना क्रिस्पी बनता है। मुझे तो ये पराठा इतना पसंद है कि मैं क्या बताऊँ, आई लव दिस पराठा। सो मैं तो जब भी बनवाना हो ना पराठा, मैं छोटी से कहती हूँ बस मुझे वो ये वाला पराठा बना दे, क्योंकि ये पराठा बहुत खस्ता बनता है। और जो पराठा लवर्स हैं ना भाई, वो लाजमी खाएं। अच्छा, मुझे बताएं कौन कौन डेली में ना मॉर्निंग में पराठा खाता है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। बट मैं ऑलरेडी थोड़ी सी हेल्दी हूँ और मेरा माइंड है कि भाई ऑयल वगैरह तो वैसे ही बहुत जल्दी हेल्दी करते हैं, मोटा करते हैं बंदे को। सो मैं इन सब चीज़ों को अवॉइड करती हूँ। कभी कभी होता है कि मैं पराठा वगैरह ले लूं, वरना मैं बिल्कुल भी नहीं लेती पराठा वगैरह ना। कभी होता है मैं ले लूं, क्योंकि कभी कभार का खाना तो चलो कुछ नहीं कहता, हाँ, लेकिन जब इंसान डेली में खाता है ना पराठा, तो भाई फिर इंसान 80, 90, 100 केजी तक भी जाता है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती। अच्छा, आप सबका वेट क्या है, आप सब लोग भी बताएँ कमेंट बॉक्स में ना। मेरा वेट 70 है आई थिंक, जो कि प्लस है, बट अभी तो फ़िलहाल जॉब की रूटीन ही बहुत टफ है। सो अगर कभी लाइफ ने टाइम दिया
तो इसको भी कम करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, वैसे मेरी कोशिश होती है मैं थोड़ी हेल्दी ही खाऊं, बहुत सारे पराठा वगैरह और फ्राइंग वगैरह चीज़ें मैं बहुत कम खाती हूँ, पसंद मुझे बहुत ज़्यादा है मगर मैं खाती बहुत कम हूँ। सो नाश्ता बन चुका है, आ जाएं आप सब भी, जिसने नाश्ता करना है चने पराठे आप सब लोग भी करें। सो वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो रही है, सो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियोज़ कैसी बन रही हैं। तो मिलेंगे फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें, क्योंकि इंसान अगर चाहता है ना कि उसे मोहब्बत मिले, सो मोहब्बत अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको मोहब्बत बांटनी भी पड़ेगी। सो अच्छा रहें, अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।